बीकॉम पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, आज हम इनपुट कर जमा इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लेक्चर देने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले ज़रूरी है हमको समझना कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इनपुट कर जमा से आशय एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपने क्रय या आवक आपूर्ति कर चुकाए गए कर की जमा लेना या लाभ लेने से है, जिसे एक व्यवहारिक उदाहरण के रूप में इसको इस तरह से समझाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एक पंजीकृत व्यक्ति ने 20 से 1 लाख रुपए का माल या इनपुट क्रय किया तथा इस पर 12% की दर से 12,000 रुपए का GST भुगतान किया। इस माल या इनपुट पर कोई निर्माण कार्य करके अथवा बिना निर्माण कार्य के अपने खर्चों एवं लाभों के लिए 20,000 रुपया छोड़कर 1,20,000 रुपया मैं सी को बेच दिया या आपूर्ति कर दी माल के द्वारा, इस पर 12% की GST वसूल किया। ए ने वसूल किए गए कर में से अपने द्वारा कर पर चुकाए गए कर की जमा लेने या समायोजन करने या घटाने के बाद शेष कर सरकार में जमा कर दिया। अब अगर हम इसका व्यवहारिक उपयोग देखेंगे इस उदाहरण का, तो हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि एक पंजीकृत व्यक्ति जिसको हम करदाई व्यक्ति कहते हैं, उसका टैक्सेबल पर्सन के नाम से उसको बुलाते हैं। ए ने 1 लाख रुपया का माल या इनपुट खरीदे, तो इनपुट हमारा कितना है, 1 लाख रुपया। बच्चों, ए ने 12,000 का GST चुकाया, तो इनपुट कितना है, 12,000 रुपया। ए ने आपूर्ति प्राप्त की और आवक आपूर्ति कहते हैं, इसको कहते हैं हम अंग्रेजी में इनवर्ड सप्लाई। ए की माल का लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है, 1 लाख। ऐसा कर जिसकी इनपुट कर जमा मिलती है लागत में सम्मिलित नहीं होती है, यह समझने की अति आवश्यकता है। ए ने सी को माल भेजा, आपूर्ति की, आउटवर्ड सप्लाई कितना है, 1,20,000 रुपया। ए ने 1,20,000 पर 12% के हिसाब से जिस जो आता है 14,400, वो क्या होता है, वो आउटपुट टैक्स कहलाएगा 14,400। अगर हम इसका कंपोजिशन ऑफ पेमेंट एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर ए कैलकुलेट करेंगे, तो उस विद्यार्थियों हमको यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आउटपुट टैक्स कितना है। वो 1,20,000, उस पर 12%, वो जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया आउटपुट टैक्स है 14,400। उसमें लेस टैक्स क्रेडिट जो 1 लाख पर मिलेगा और 12% के हिसाब से है 12,000, तो नेट टैक्स पेबल ऑट टू बी पेड वो कितना है, 2,400। अगर हम इसकी टिप्पणी करेंगे सपोज, तो विद्यार्थियों ए ने सी को 14,400 रुपए का कर वसूल दिया, इसमें से ए ने बी को 12,000 रुपए का माल खरीदते समय दे दिया,
तो इस 14,004 की राशि में से 12,000 रुपये का समायोजन करना या घटाना ही इनपुट कर जमा कहलाता है। शेष 2,400 रुपया ए सरकार में जमा करा देगा। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर यह भी समझने की अति आवश्यकता है कि इनपुट कर जमा प्राप्ति की मात्रा एवं शर्तें जो जीएसटी एक्ट धारा 16 के अंतर्गत होती है वो किस प्रकार से है। विद्यार्थियों, ये जो एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसमें कुछ शर्तें दी गई है जो हमको समझना अति आवश्यक है। नंबर 1 कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति उसको की गई माल अथवा दोनों सेवाओं, माल और सेवाएं तो जीएसटी में दोनों सम्मिलित होती है, अथवा दोनों की ऐसी आपूर्ति का जिसका उपयोग वो अपने व्यवसाय के दौरान अथवा व्यवसाय की वृद्धि के लिए करेगा, उस पर वसूल किए गए कर का इनपुट कर जमा प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु इसके लिए धारा 49 के तहत निर्धारित शर्तें का पालन करना आवश्यक है। इनपुट कर जमा की ये राशि ऐसे व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सरकार द्वारा जमा की जाएगी। ये जो धारा 16 की बात हम कर रहे हैं इनपुट कर जमा करने की शर्तों में, उसके अंतर्गत एक और बात हमारे सामने याद रखने, विद्यार्थियों को सरल रखने की ज़रूरत है कि इस दायरा में चाहे कुछ भी उल्लेख हो, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति को माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति के संबंध में किसी भी इनपुट कर जमा की पात्रता नहीं होगी जब तक कि वो नियमलिखित शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी है हमको अंडरस्टैंड करने के लिए। नंबर 1, उस व्यक्ति के पास उस अधिकतम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया कर बीजक, डेबिट नोट या भुगतान से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज है जिसमें निर्धारित किया गया है। इसका एक सब पॉइंट ये भी है कि इससे माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों को प्राप्त कर लिया है। इसका स्पष्टीकरण की तरह अगर हम जाएंगे तो इस व्याख्या के उद्देश्यों के लिए ये माना जाएगा कि पंजीकृत व्यक्ति ने माल अथवा सेवा जैसी भी स्थिति हो प्राप्त कर ली है, और यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं प्राप्तकर्ता की माल सुपुर्द किया हो अथवा उसको निर्देशित कर किसी अन्य व्यक्ति को सुपुर्द किया हो, चाहे अन्य व्यक्ति एजेंट है अथवा नहीं, चाहे उसकी सुपुर्दगी माल के गमन से पहले की गई हो अथवा गमन के दौरान, चाहे ऐसे सुपुर्दगी माल के स्वामित्व के अधिकार पात्रों में हस्तांतरण दिया गए हो अथवा नहीं, को इस प्रकार से ही सम्मिलित किया जा सकता है। विद्यार्थियों, हमको यहाँ पर एक और 2 सब पॉइंट्स की तरह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपूर्तिकर्ताएं ऐसी आपूर्ति के संबंध में वसूल किए गए कर को उपयुक्त सरकार को वास्तव में भुगतान कर दिया गया है। ऐसा भुगतान नगद किया जा सकता है अथवा उसकी आपूर्ति के संबंध में स्वीकृति इनपुट कर जमा के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। एक और पॉइंट जिसका हम उल्लेख करना चाहते हैं वो है कि उस व्यक्ति को धारा 39 के अंतर अपनी विवरणी प्रस्तुत कर दी है।
परंतु यदि किसी बीजक के संबंध में माल लॉट्स या किस्तों की प्राप्ति किया जाता है तो पंजीकृत व्यक्ति अंतिम लॉट या किस्त की प्राप्ति के बाद ही जमा प्राप्ति करने का अधिकारी होगा। विद्यार्थियों, ये भी समझना जरूरी है कि यदि पंजीकृत व्यक्ति ने प्लांट एंड मशीनरी एवं पूंजीगत माल की लागत पर, जिसमें कर भी शामिल हो, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत डिप्रिसिएशन का दावा किया है तो उससे कर की राशि के संबंध में इनपुट कर जमा स्वीकृत नहीं हो सकती है। इसके अलावा माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति के लिए जारी किए गए बीजक या डेबिट नोट के संबंध में ऐसा पंजीकृत व्यक्ति निम्नलिखित तिथियों में से जो पहले उसके बाद इनपुट कर जमा लेने का अधिकारी नहीं होगा। इसके दो पॉइंट्स हमारे पास हैं। नंबर वन, जिस वित्तीय वर्ष में बीजक या डेबिट नोट संबंधित है उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वाले सितंबर माह में की धारा 39 के तहत विवरणी प्रस्तुत करने का नियत तिथि के बाद और संबंधित वार्षिक विवरण प्रस्तुति करने की तिथि के बाद दोनों में से जो पहले हो और उसके बाद, ये इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। विद्यार्थियों, कल हम इनपुट कर जमा का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और शर्तें नियम 36 के अंतर्गत, इस पर हम अपना लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आपके पास इस इनपुट टैक्स कर जमा पर कोई क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9351329052 पर भेज सकते हैं।